नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज अचानक महिलाओं के आक्रोश का शिकार एक भाजपा नेता हो गए। किसी तरह से वहां मौजूद पुलिस बल ने भाजपा नेता को महिलाओं से बचाया। दरअसल सोमवार को महिलाओं का समूह एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में किसान नेता राजू यादव को पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची थी। इसी दौरान भाजपा नेता कहे जाने वाले गुड्डू सिंह भी किसी कार्य से एसपी कार्यालय पर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिलाओं और पुरुषों को कथित तौर पर गुंडा कहने पर महिलाएं भड़क गईं, जिसके बाद आक्रोशित महिलाओं की भाजपा नेता से नोकझोंक भी हुई। अपने को भीड़ में फंसा देख भगवान को याद कर महिलाओं के सामने नतमस्तक होने की नौबत तक आ गई, जिसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी ने किसी तरह से पुलिसकर्मियों की मदद से भाजपा नेता को वहां से निकाला, जिसके बाद दोनों पक्ष पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुए। भाजपा नेता पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किसी तरह से निकले जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना देख पूरे दिन इस घटना की चर्चा जोरों पर होती रही।